बहुत सुनते होंगे कि संविधान का उल्लंघन हो रहा है, होता है ना बहुत लोकतंत्र का, संविधान का, संविधान की रक्षा के लिए देखें कहीं विरोध हो रहा है तो संविधान लेके लोग पहुँच जाते हैं, संविधान लेके प्रवेश करते हैं, दिखाते हैं, फोटो खिंचाते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि किसी भी देश का जो संविधान है वो सर्वोच्च कानून है और उसी से जितने कानून रहेंगे उसी से बनते हैं। संविधान की कोई एग्जैक्ट परिभाषा नहीं दी जा सकती कि संविधान हम दे दें कि हमें परिभाषा है कि इसलिए उसकी कई परिभाषाएं हैं। जैसे एक तरह से कि ये तो सर्वोच्च कानून है किसी भी देश या संगठन का और उसी के अनुसार उस देश की शासन व्यवस्था संचालित होगी और जितने कानून बनेंगे कोई कानून उसके विरोध में नहीं होगा। जो कानून संविधान के प्रावधान के विरुद्ध होगा वो क्या होगा? शून्य हो जाएगा, अवैध हो जाएगा। और संविधान दो प्रकार के होते हैं, लिखित और अलिखित। अधिकतर देशों के संविधान कैसे हैं? लिखित है। एकमात्र देश है जहां संविधान माना जाता है अलिखित है, ब्रिटेन का, जिसको सबसे पुराने संविधानों में से भी माना जाता है। और भारत का संविधान लिखित है। और भारत का जब संविधान बना तो कई देशों से जो अच्छी चीज़ें दी गई, जैसे लगा कि हमको ज़रूरत है, क्योंकि तो भारत ऐसा देश है, भारत के संविधान को बनाने बहुत टाइम लगे और यहाँ विभिन्न धर्म के लोग, जाति के लोग, संप्रदाय के और भौगोलिक स्थितियाँ भी यहाँ कैसी है कि कहीं इस समय बहुत बारिश हो रही है और कहीं बहुत गर्मी पड़ रही है, कहीं इस समय बहुत सर्दी पड़ रही है, माइनस में टेम्परेचर है। इसलिए यहाँ की कैसे संविधान की व्यवस्था की गई? संघीय संविधान की, संघात्मक, जैसे छोटे छोटे भागों में बांट के राज्य। इसीलिए अगर एक ही संविधान से कम शासित होता तो बड़ा मुश्किल होता। संविधान तो वही है, लेकिन इसीलिए जो विकेंद्रीकरण किया जाता है किसी भी चीज़ का, इसलिए किया जाता है कि शासन करने में सुगमता हो। राज्य में बांटा गया, फिर जिले में बांटा गया, ये सब चीज़ें किससे निकली हैं? सब संविधान से निकली हैं। हम लोग जिसे पढ़ना है संविधान का परिचय, संविधान ऐसे बता दे रहे हैं मोटी मोटा इसका ओवरव्यू, फिर हम लोग पढ़ना है संविधान की विशेषताएँ। वैसे सिलेबस में करना चाहिए जो हमको भेजा गया है कि पहले इसका बैकग्राउंड क्या था, हिस्टोरिकल इसकी पृष्ठभूमि क्या है, कैसे कैसे संविधान बना, लेकिन वो डेट वाइज भेजा गया पहले विशेषताएँ ही, तो पहले विशेषताएँ हम उसी के अनुसार चलेंगे। ठीक, वैसे तो चलना चाहिए कि कब से संविधान सभा गठन हुआ, फिर आगे बढ़ना चाहिए जो कानून थे 1919 का, 1935 का, 1947 का स्वतंत्रता नियम, लेकिन जो सिलेबस है क्या इसी के अनुसार है। और आप लोग सभी लोग इसमें मोस्टली तैयारी के लिए आए होंगे, मेन उद्देश्य होगा कि सिविल ना, आप लोग ऐसे भी सिलेबस को डाउनलोड कर लिए क्योंकि वहाँ से, और वैसे भी सिलेबस जानना बहुत ज़रूरी है। पूरा हमको संविधान नहीं पढ़ना है, मेन मेन चीज़ पढ़ना है जो सिलेबस है। अगर हम संविधान पढ़ेंगे साल भर तो संविधान ही पढ़ते रह जाए। इसका मूल अधिकार का जो पार्ट है इतना विस्तृत है, उसी को हम पढ़ते रह जाएंगे। एक संविधान का अनुच्छेद 21 उसको पढ़ेंगे तो उसमें सब अधिकार समाहित हो जाते हैं। इसलिए हमको उतना ही पढ़ना है जितना जरूरत है और उसको बहुत डीप में नहीं जाना है। एक एक चीज़ क्या हुआ, जो इसे क्वेश्चन आते हैं उस तरह से पढ़ना। आप लोग पेपर स्पेस कोई दिया था आपकी बात किसी अथवा आप ये थे ऐसा रहा इसको ठीक ठाक रहा जी सर? ठीक है सर, थोड़ा सा सेट के लिए तो देखिए हिंदी और सेट में बहुत प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको, उतना हिंदी और रीजनिंग आ जाती है। सर इसमें तो कम्युनिकेशन ज़्यादा कम्युनिकेशन स्किल ऐसी है कि वो बहुत पढ़ने का आपको मतलब नहीं मिलेगा उसमें। जब साल आता है घटना चक्र का साल आता है उसको लेके देख लिया कर,
और ऐसा क्वेश्चन आएगा कि आप खुद दिए होंगे तीन चार में आप डिसाइड नहीं कर पाते होंगे किसको करें। जैसे कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि आप दो में कंफ्यूज होते हैं कि इसमें क्या करें, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल में चारों में कंफ्यूजन होता है। उस तो उस पार्ट पर फोकस करिए, जैसे हिंदी आपकी अच्छी है तो हिंदी कर लीजिए, रीडिंग अच्छी है तो रीडिंग कर लीजिए, उसमें तो पासिंग मार्क ही है बस। कितना है 33 ना, इतना करिए कि 50% कर लीजिए, कट फिट क्या जाए। और उसके लिए बुक आती है, हम आपको बता देंगे, लेकिन बुक पढ़ने का बहुत मतलब नहीं है। उसमें मैथ आपकी अच्छी है, रीजनिंग और हिंदी इतना मिला के हो जाएगा। इंग्लिश भी आसान आती है, लेकिन इंग्लिश से बच्चे डरते हैं, लेकिन अगर इंग्लिश से वो करें, इंग्लिश उसमें आसान आती है। ऑब्जेक्टिव रहता है, प्रीपोजिशन आता है, एक्टिव पैसिव आता है, तो हो जाएगा। चलिए हम लोग आते हैं कि संविधान का निर्माण कैसे हुआ। सर्वप्रथम 1934 में एक एम.एन. राय थे, मार्क्सवादी विचारक, साम्यवादी विचारक। आप लोग बुक रखे हैं कोई संविधान के लिए? तो उसकी बुक आप उसमें ठीक है, बढ़िया है। अगर बुक लेना हो तो आप लोग एन लक्ष्मी काम के ले सकते हैं, थोड़ी कास्टली बुक है, वैसे हम नोट कराते रहेंगे मेन मेन पॉइंट। और आती है बी.एल. ग्रोवर की भी, उसको भी ले सकते हैं, लेकिन लक्ष्मीकांत ने फैक्ट ज़्यादा दिया। और उसमें मेन मेन टॉपिक जो है उसको अपना पढ़िए, और पेपर जैसे आप लोगों को पीडीएफ भेजा जाएगा, कुछ देंगे वो राहुल कौन दे देंगे, वो दे देंगे। हम कुछ पेपर भी लाए थे पिछली बार, दिए दो दिन लोग ले गए, वापस नहीं किए, ये भी तो होता है सर। हमारे पास मैटर है, अगर हम दे दें तो वापस नहीं करते आपको, आपने भेजा है ना। हाँ भाई, संविधान का विचार कैसे आया? तो एम.एन. राय ने सुझाव दिया कि संविधान बनाया है। कब दिया था? 1934 में सर्वप्रथम। और संविधान सभा को उसी के उनके विचार को मान के एक संविधान सभा का गठन किया गया, जिसमें कितने सदस्य होने चाहिए? 389। और इसकी पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946। और कितने सदस्य थे ये आता है? 389। वो शामिल कम हो गए थे, उसमें मुस्लिम भी फिर अलग हो गया, फिर वो आगे बताएंगे हम, पहले चेंज चलते हैं। और इसकी लास्ट बैठक कब हुई थी? लास्ट अंतिम बैठक 1944। देखिए आप लोग पढ़िए तो उसको बहुत डीप से, ठीक है पढ़िए, लेकिन उसमें आप लोग क्वेश्चन पूछने के चाहते हैं, जैसे क्वेश्चन आते हैं उस तरह के आप है कुछ में करिए। लास्ट बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी। और इसके बाद संविधान लागू हो गया था, और संविधान के कुछ पार्ट कब लागू हो गए? 26 नवंबर। उसी दिन माना जाता है कि संविधान को अंगीकृत किया गया। वहाँ कौन सा शब्द यूज किया गया है? अंगीकृत या एडॉप्ट किया गया। और इसके जब चुना के संविधान सभा की बैठक हुई, अस्थायी अध्यक्ष प्रथम चुने गए थे सच्चिदानंद सिन्हा, फिर उसके बाद प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र। इसकी हम समितियाँ लिखा देंगे एक बार आपको, या तो पीडीएफ होगा दे देंगे। जैसे बहुत सी समिति बनी, प्रारूप समिति, रक्षा समिति, सलाहकार समिति, उसमें क्या पूछता है इसकी समिति में कितने लोग थे, कौन अध्यक्ष था। जैसे क्वेश्चन है कि बहुत सामान्य ऐसा हो जाता है, समय पूछ लेता है, कभी छोटे क्या वो पूछ लेता है,
ठीक है, सिविल में नहीं पूछेगा, लेकिन और आप एग्जाम देते हैं पुलिस का, बीएम का, जैसे इसका सब लोग पूछ लेता है कितना समय लगा
अब इसको आगे हमको फिर अभी पढ़ना है संविधान का विकास, तो हम पढ़ाएंगे तो वहाँ से फिर आप लोग पढ़ाएंगे। पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसकी विशेषता, भारत के संविधान की विशेषता। भारत के संविधान की पहली विशेषता क्या है, यह विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसकी संरचना लिखना हो तो नोट कर लीजिए आप लोग, नहीं तो कोई बुक रहेगी आप लोग को मिल जाएगा। पहली विशेषता, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान। भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद, 395। और 12 अनुसूचियां हैं, 22 और कहीं कहीं आप लोगों को 470-300 तो मिलता होगा अनुच्छेद ना, 449 नहीं कहीं। तो उसमें क्या होगा जानते हैं, जो वो होता है अनुच्छेद जैसे क खा ग उसको भी जोड़ देता है, लेकिन ऐसे 395 ही है और इसमें कई चीजें निरसित कर दी गई हैं, ये समाप्त कर दिया गया बीच में, लेकिन माना कितना जाता है 395 ही। और 12 अनुसूचियां मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, 8 थी, फिर 4 अनुसूचियां जोड़ी गई हैं। नवी अनुसूची में क्या जोड़ा गया, कुछ ऐसे विषय हैं जिनको अनुसूची में डाल दिया गया कि जिसको कानून में सुप्रीम कोर्ट या और जगह न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, कुछ ऐसी वो है। लेकिन वर्तमान समय में क्या है, एक पीरियड निर्धारित कर दिया गया, अब जो उसमें डाला जा रहा है उसको चुनौती दी जा सकती है, वर्तमान की स्थिति यही है। तो नवी अनुसूची आप बस इतना याद रखें कि विद्यमान ऐसे विषय हैं जिनको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, यही 4 अनुसूची ज्यादा पूछता है बार बार। और 10वीं क्या है, दल विदल कानून, दल बदल कानून लाया गया इसीलिए कि पार्टियां टूट के दूसरे चली जाती। दल बदल कानून में क्या है कि कोई कानून है तो 1/3 सदस्य अगर उसके भाग जाते हैं तो लोकसभा अध्यक्ष या विधानसभा की है तो विधानसभा अध्यक्ष उसको मान्यता दे सकता है, 1/3 सदस्य होने चाहिए। अभी आप लोग देखते होंगे कहीं भी, जैसे महाराष्ट्र मामला चल रहा था, जैसे आप लोग पढ़ाई करते हैं तो ये सब भी चीज़ ध्यान दिया गया, उसमें देखे होंगे अभी वो बात चल रही थी कि पार्टी टूटी है ना NCP, उतने विधायक टूटे हैं कि नहीं, उसमें कम से कम 1/3 रहने चाहिए, उनके 53 विधायक शेष आए और 20 विधायक टूट गए, 1/3 से अधिक हो गया ना, 20 के 60 हो जाता है, तो उसको मान्यता दे दी जाए, उनका समर्थन अगर मिल गया तो लोकसभा अध्यक्ष जो है करीब विधानसभा वो उनको मान्यता दे देगा। इसी को रोकने के लिए लाएगा, नहीं तो क्या होता है कि जो छोटी पार्टियां ज़्यादा लेकिन वही टूटती है, जो बहुत बड़ी पार्टी उसको कितना तोड़ेंगे आप, उसका 1/3 भी बड़ा तो होगा, देखेंगे जो छोटी छोटी पार्टियां हैं कहीं कहीं 2-3 सीट जीती रहती है, पूरी की पूरी चली जाती है दूसरे में, जैसे अभी बिहार में हुआ पूरी पूरी चली गई, और वहां पे हुआ था शायद मणिपुर में JDU के 6 विधायक थे पूरे चले गए BJP में, जो छोटी पार्टियां होती हैं उनको टूटने का खतरा ज़्यादा होता है। अब जैसे बड़ी पार्टी है जो सत्ताधारी पार्टी होगी वो तो टूटेगी नहीं, सत्ता में तो टूटेगी, जैसे UP में है तो UP का सबसे बड़ी विधानसभा है भारत में ना, तो विपक्ष में लगभग 120 विधायक है ना, मुख्य विपक्षी दल है जो उसके 120 विधायक हैं, अगर तोड़ना होगा कम से कम 40 विधायकों को तोड़ना होगा, अगर कोई छोटी पार्टी को तोड़ना हो तो जैसे अपना दल है छोटी 10-12 विधायक है तो उसको 4 भी तोड़ देंगे तो हो जाएगा ना, इसीलिए 4 जो छोटी पार्टियां होती हैं उनको तोड़ना आसान है। इस संरचना में बता रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं कि पूछता है कि 395 अनुच्छेद पहली विशेषता, भारत
विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, इसमें 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियाँ और 22 भाग, कहीं कहीं देखेंगे तो 25 भाग आपको मिलेंगे। हाँ, उससे आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये पूछता नहीं है। मान लीजिए कहीं पूछ ले तो दोनों में से एक ही ऑप्शन देगा, अगर दोनों दे दिया तो उसके लिए हम नहीं कुछ कर सकते। 22 ही करिएगा आप लोग। अब क्या मान ले जो आंसर की उसको नहीं गारंटी ली जा सकती, लेकिन जो जान कंफ्यूजन होगा इस तरह का नहीं पूछता है कि दोनों दे, और माना जाता है 395 ही। जैसे अब हो गया दसवीं और ग्रहवीय सूची क्या है, पंचायती राज, पंचायती राज की व्यवस्था किस अनुच्छेद से की गई थी, किस संविधान से, दोनों से
और विशेषता में वो कुछ इसमें पूछता नहीं, एग्जाम में फैक्ट ही आता है लेकिन सिलेबस में है। और विशेषता में कई पॉइंट हो जाएंगे, जैसे किसी बुक में देखेंगे 8-10 पॉइंट ही मिलेगा, किसी बुक में देखेंगे कि 20-25 पॉइंट मिल हो गया, तो अपने ऊपर है। जैसे कई हेडिंग हम साथ में बता दिए, कई जोड़ के बता दिए, इसमें नोट कर लीजिए। अब अगला पॉइंट है, नोट करिए, लचीला भारत का संविधान कैसा है? ना ज्यादा लचीला है ना ज्यादा कठोर है। इसको नम्य लिख लीजिए, इसे लचीला क्या कहते हैं, इसे नम्यता और अनम्यता का समन्वय है या संतुलन है। लिख लीजिए ऐसे ही कि ना ज्यादा कठोर है ना ज्यादा लचीला है, और हेडिंग बना के लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए नम्यता और अनम्यता का समन्वय या संतुलन। इसको क्यों कहा गया है भारत का संविधान नम्यता अनम्यता का संतुलन है? कुछ मामलों में जैसे यहाँ पे संशोधन नहीं होता है, संविधान संशोधन प्रक्रिया में आप लोग एक केस आई थी, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, उसी में एक सिद्धांत दिया गया मूल ढांचा का सिद्धांत। ये दूसरा पॉइंट बता रहे हैं मूल ढांचा का सिद्धांत, बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत। इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया कि संविधान में किसी विभाग में संसद संशोधन कर सकती है लेकिन मूल ढांचा को छोड़, मूल ढांचा को छोड़। तो मूल ढांचा इस केस में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में डिफाइन किया गया कि क्या क्या मूल ढांचा है, बेसिक स्ट्रक्चर संविधान का क्या क्या है। उसमें बेसिक स्ट्रक्चर में जैसे क्या आता है, मूल अधिकार को भी किसमें माना गया, बेसिक स्ट्रक्चर में ही माना गया। फिर भी मूल अधिकार को संशोधन किया जा सकता है कि नहीं, समय किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है वो जटिल है। जब संविधान संशोधन हम लोग पढ़ेंगे तब वो पढ़ेंगे उसमें कि कुछ में दो तिहाई बहुमत की जरूरत पड़ती है, कुछ में साधारण बहुमत से ही संविधान संशोधन हो जाते हैं। अभी इतना बस जानिए कौन कौन क्यों इसको कहा जाता है कि नम्यता और अनम्यता का समन्वय, क्यों कठोर भी है और लचीला भी है। लचीला इसलिए कि भारत का संविधान 1950 में बना, लगभग देखिए इस समय 105 संशोधन हो चुके हैं,
पर ईयर लगभग एक से डेढ़ गुना, मतलब लगभग दुगुना ना, 17 साल हो गया ना, लगभग दुगुना। अब और विधेयक कितने पारित हो चुके हैं, 127 बहुत से विधेयक बने, लेकिन वो कानून नहीं बन पाए। एक ऐसा भी संविधान संशोधन हुआ था कि जिसको कानून भी बन गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिर रद्द कर दिया। न्यायिक नियुक्ति जो आयोग था न्यायाधीशों को बनाने के लिए, उसको अब किस प्रक्रिया से होती है, जैसे पहले होती थी कोलेजियल सिस्टम से उसी तरह होती है। ठीक, अब इसमें कठोर इसको क्यों कहा गया, इसीलिए इसके मूल ढांचा की को किया गया। मूल ढांचा में क्या क्या है, मूल अधिकार है, मूल अधिकार क्यों मूल ढांचा में क्यों डाला गया, क्योंकि कोई गवर्नमेंट ऐसा ना कि जो बहुमत में आए और अपने हिसाब से मूल अधिकार को ही चेंज कर दे। मूल अधिकार का मतलब क्या होता है, आपके मूल चीजें जो है, जो बेसिक हो, जिसपे आपको जरूरत हो, इस पे फिर और कैसे आए, इसके बाद फिर मिनरवा मिल्स आई और कैसे आई, तो हमको उतना केस वो पे ध्यान नहीं देना है, ये बस जानते रहिए। लेकिन ये पूछता है केशवानंद भारतीवाद जो है, ये पूछ लेता है। और संविधान संशोधन प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है, 368 कहां से ली गई थी, और मूल ढांचा की एक तीन मूल ढांचा में और आती है, नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकार का संबंध, नीति निर्देशक तत्व का संबंध। जैसे हमेशा एक निश्चित विवाद होता है ना कि मूल अधिकार ज्यादा श्रेष्ठ है कि नीति निर्देशक का, इस पर हमेशा विवाद होता है। पहले क्या था, पहले होता था कि मूल अधिकार में कोई संशोधन किया जा सकता है, केशवानंद भारती के बाद हुआ कि कोई नहीं किया जा सकता, किया जाएगा लेकिन विशेष बहुमत से, और नीति निर्देशक तत्व में किया जा सकता है, और नीति निर्देशक तत्व को कोर्ट में या न्यायालय में परिवर्तन नहीं कराया जा सकता। नीति निर्देशक तत्व कहां लिया गया, लेकिन इन दोनों का जो संबंध है वो किसमें माना गया है, मूल ढांचा में। इसमें कहा गया कि ये दोनों संविधान के दो पहिए हैं, यही सब भी यूज किया गया था। केशवानंद भारती के बाद केस में कहा गया ये सब ये एक दूसरे के पूरक हैं, पूरक का मतलब कि एक दूसरे के बिना दोनों अधूरे हैं, एक अगर थोड़ा ज्यादा मजबूत होगा एक कमजोर होगा तो संविधान अच्छे से नहीं चल सकता। बहुत चीजें ऐसी है नीति निर्देशक तत्व की जो अब मूल अधिकार बन चुकी है, जैसे 21 का जोड़ा गया है संविधान में ना, संविधान में 21 का जोड़ा गया है, कहां से आया है वो नीति निर्देशक तत्व में था ना, उसको ये संविधान में लिखा गया है कि नीति निर्देशक तत्व को जब चाहे गवर्नमेंट जन कल्याण के लिए, नीति निर्देशक तत्व को लोक कल्याणकारी को माना जाता है प्रावधान, उसमें जो पढ़ेंगे आप लोग तो पढ़िएगा बेरेक से लेके, या तो उससे बेरेक समझते हैं आप लोग क्या होता है ना, जो केवल आती है जिसमें केवल अनुच्छेद दिया रहता है उसको बेरेक बोलते हैं, तो उसको आप लोग पास हो ना हो तब रख लीजिएगा, जैसे देखने में याद करने में आसानी रहती है, जरूरत पड़ी आप तुरंत देख लीजिए उसको, जब भी पढ़ेंगे उसमें देखेंगे जितनी चीज़ें हैं वो लोग कल्याणकारी बात की गई। जैसे इस समय बहुत चर्चित मुद्दा चल रहा है सीसी समान सिविल संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसका प्रावधान कहाँ किया गया है, 44 नीति निर्देशक तत्व में ही है गवर्नमेंट, लेकिन इसका प्रवर्तन नहीं कराया जा सकता, जब इसको गवर्नमेंट चाहेगी
इसके कानून बना देगी, इसका प्रवर्तन कराया जा सकता है, इम्प्रूवमेंट कराया जा सकता है। अभी तक आपने जो निष्पक्षता तो है तो आपको बस एक दिशा निर्देश दिया जा रहा है, ये आप करिए, नहीं करेंगे कोई अपराध नहीं कर रहे। लेकिन जब वो कानून बन जाएगा उससे या उन अधिकार में शामिल कर लिया जाए या उसी विषय को उठा के कानून बना दिया जाता है उसके लिए आप दोषी होंगे। जैसे उसमें कई चीजें हैं कि कर्मकारों के निर्वहन का है और स्त्री पुरुषों के समान वेतन की भी बात की गई है, स्त्री पुरुषों का तो सरकारी क्षेत्र में तो वेतन समान है लेकिन असंगठित क्षेत्र में वेतन समान है। असंगठित क्षेत्र जैसे छोटे मोटे काम हुआ, मजदूरी हुई, कोई ऐसा काम हुआ, लेबर ही है देखेंगे, औरत उतना ही काम करेगी लेडी, लेकिन उसको कम देते हैं, पुरुष को ज्यादा देते हैं। ये सब उसमें प्रावधान किए गए हैं कि जिससे समानता आए। ये दूसरा पॉइंट हो गया नम्यता और अनम्यता का समन्वय। इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग पूछिएगा, कोई क्वेश्चन हो। अब अगला पॉइंट है इसमें एकात्मक संविधान या एकात्मकता की ओर झुकाव। भारत का संविधान कैसा है? इसकी संघीय संविधान संघात्मक, लेकिन इसका जो झुकाव है वो एकात्मकता की ओर है, केंद्र की ओर है। जैसे भारतीय संविधान में प्रावधान किया गया है केंद्र राज संबंध का, उस चीज को पढ़ेंगे तब समझेंगे कैसे एकात्मकता की ओर झुकाव है। तो वहां तीन लिस्ट दी गई है, केंद्र सूची या जिसको सेंट्रल लिस्ट कहते हैं, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इसको इन सूचियों को किस अनुसूची में है? कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। इन तीन सूचियों में कानून बनते हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। इनके अलावा अगर कानून बच गया तो कौन सूची? अवशिष्ट, मतलब बचे हुए कानून। इस पे कौन कानून बनाता है? केंद्र बनाती है, लेकिन कौन संसद बनाएगा? वो केंद्रीय सही है, ठीक, संसद। तो इसका उत्तर ये केंद्र सूची, केंद्र की सूची में कौन कानून बनाएगा? केंद्र बनाएगा, राज्य कोई कानून उस पर नहीं बनाएगा। तो मैं क्या यहाँ बता रहा हूँ, केंद्र की ओर जो है यहाँ का भारत का संविधान उसका झुकाव है, एकात्मकता की ओर उसका झुकाव है, उसी चीज को बता रहा हूँ। क्यों झुकाव? आप पूछा जाएगा कैसे झुकाव है, बताएंगे कोई कारण बताएंगे ना, तो वही झुकाव। इसमें केंद्र सूची में केंद्र कानून बनाएगा और राज्य की सूची में कौन बनाएगा? राज्य। लेकिन राज्य की सूची में कुछ ऐसे विषय हैं कि राज्य के अलावा केंद्र चाहे कानून बना सकता है, कुछ ऐसे विषय हैं जिसपे केंद्र उस पे कानून बना सकता है। कब कब बना सकता है? आपात की स्थिति तो बनाएगा ही, और जब लोक हित का मामला हो, लोक हित या राष्ट्रीय हित का मामला हो, और दो या दो से अधिक राज्य जब अपना प्रस्ताव पारित करके केंद्र को सौंप दें कि आप हमारे विषय पे कानून बनाइए, तब बनाएगा। या कोई अंतरराष्ट्रीय संधि हुई है, कोई अंतरराष्ट्रीय संधि हुई है किसी देश से, तब वो कानून बना सकता है। जैसे यूपी गवर्नमेंट है, कोई नेपाल से समझौता करना है और एक जब तक एक केंद्र की अनुमति है वो नहीं लेगी तो नहीं कर पाएगी, अगर कर भी लेती है तो इस पे केंद्र का वो बनाएगी कानून।
ये हो गया दुर्लभ, इसलिए यहाँ कौन मजबूत हो जा रहा है? अपने तो बना ही रहा है और राज्य वाले पे भी बना रहा है, अपने बना रहा है। जैसे उसको जो दिया गया, जैसे आप ही लोगों को कोई चीज दे दी जाए कि आप अपनी पढ़ाई करिए, आप इतना क्षेत्र देखिए, जैसे मान लीजिए बंटवारा कर दिया जाए कहीं कि क्लास का कि ये बच्चियां हैं, ये इस क्लास में भी बैठ सकती है, वो चाहे तो उसमें बैठ सकते, लेकिन बच्चे केवल इसी में बैठेंगे, तो बच्चियों का अधिकार ज्यादा हो गया ना। इसी तरह वो तो अपने बना ही रहा है और राज्य सूची के विषयों को भी बना सकता है। और तीसरा अनुसूची क्या है? समवर्ती सूची, में दोनों कानून बनाएंगे, इस विषय पे दोनों कानून बनाएंगे। लेकिन यहां भी क्या है, जहां भी दोनों में टकराव उत्पन्न होगा वहां भी किसका कानून लागू होगा? केंद्र का। वहां पे शब्द यूज किया जाता है केंद्र कानून अभिभावी होगा या प्रभावी होगा। जैसे आप लोग लिखिएगा, अभी पढ़ रहे हैं, अभी तो आप लोग अधिकतर तब ग्रेजुएशन में ही है, तब एग्जाम पास करने लगेगा, अपना लिखिए, लिखने का भी वो करिए, जो शब्द होता है उसको वो करना चाहिए, उससे यूज करेंगे तो एग्जामिनर जो होता है वो कहेगा कि हाँ लड़का जान। जैसे ठेठ भाषा नहीं कि एकदम चल रही हुई, तो उसमें किसका कानून होता है? अभिभावी केंद्र का। समवर्ती में राज्य और केंद्र में जब कोई कानून का विवाद होगा, टकराव होगा, तो केंद्र का कानून प्रभावी होगा या अभिभावी होगा। एक शब्द और यूज किया जाता है, जैसे इसे लिखते समय आपको ध्यान दीजिएगा, भले अभी लिखिए एग्जाम में, जैसे लिखा होगा पढ़ेंगे आप लोग जब, कि केंद्र की सूची पे कानून बनाने का केंद्र का अनन्य अधिकार है। अनन्य, अनन्य का मतलब कि एब्सोल्यूट, पूर्ण अधिकार, पूर्ण अधिकार, यही शब्द यूज किया गया। अंग्रेजी में देखेंगे तो एब्सोल्यूट होगा और अनन्य अधिकार, उसमें किसी दूसरे का अधिकार नहीं। ये शब्द जो होते हैं ना, इसीलिए होता है कि लैंग्वेज, कुछ लोग कहते हैं ना कि लैंग्वेज सही नहीं, सही चीज लिखते हैं जानते हैं लेकिन लैंग्वेज सही नहीं होती, इसलिए लिखने का भी वो करिए, क्योंकि जब पढ़ते समय उसी का शब्द यूज किया करिए। तो लैंग्वेज का होता है ना कि उनकी, आप लोग पढ़ते हैं किसी बुक की, कहते हैं इनकी लैंग्वेज बड़ी सिंपल है, किसी की कहते हैं कि लैंग्वेज उनकी बुक तो अच्छी है लेकिन बड़ी स्टैंडर्ड है। जो थोड़ा क्लिश लिखता है उसको क्या माना जाता है? स्टैंडर्ड होता है। ऐसा नहीं कि आप लोग इतना क्लिश लिख दीजिए कि अपने इन्हें समझ गए, इसे प्रयास करिए, जो शब्द है अगर याद है वो उसको कर ले। जैसे हर चीज की शब्दावली होती है, देखो नाम ही से आप लोग पढ़ेंगे तो बहुत सही उसकी शब्दावली होगी, आप लोग समझ में नहीं आती मांग की लोच क्या है, क्या इस तरह होता है ना, तेजड़िया मदड़िया है जिसको बुल विलियर कहते हैं शेयर मार्केट का, ये सब शब्दावलियाँ हैं, सब जानना चाहिए। इसी तरह इसकी भी शब्दावलियाँ हैं। अब हो गया इसमें इसकी हो गया है समवर्ती सूची, केंद्र का कानून अभिभावी होगा। अब इन चीज़ों का कानून बनेगा तो अब इनसे भी अगर कोई चीज बच गई, जैसे इसमें सबने देखेंगे बढ़िया का हम लोग करवा देंगे, इसमें संतान विषय है ना, कैसे हम कहेंगे जैसे क्या पॉइंट चल रहा है,
एकात्मकता की ओर झुकाव या केंद्र का मजबूत होना। एक तो ये हो गया कानून का, और दूसरी चीज क्या, एकल नागरिकता, वो आएंगे वो एक विशेषता है, वो तो बताएंगे। इसी में हम और चीज पूछ रहे हैं कि तुम बताइए, राज्यपाल का वो राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल के माध्यम से केंद्र सरकार क्या करती है, स्टेट पे एक तरह से सामांतर सरकार चला लेती है, जो चाहती है मनमानी करती है, होता है ना। भले किसी देखेंगे अक्सर राज्यपाल को लेकर विवाद होता रहता है, अगर केंद्र में दूसरी गवर्नमेंट है दूसरे पार्टी की और स्टेट में दूसरे पार्टी की, तो हमेशा जो स्टेट वाले दूसरे पार्टी गवर्नमेंट है वो राज्यपाल का देखेंगे तो उसका टकराव होता रहता है। राज्यपाल को आरोप लगाया जाएगा कि इन्होंने संविधान सम्मत काम नहीं किया, संविधान के अनुसार काम नहीं किया। जैसे नियम क्या है कि कोई जब चुनाव होता है तो सबसे बड़ा जो दल होता है वो सरकार बनाने के लिए गठबंधन होता है आमंत्रित किया जाए, ये नियम नहीं है, लिखा नहीं गया, एक परंपरा बन गई। लेकिन अगर कोई राज्यपाल है उसकी जिस पार्टी से, राज्यपाल का पद ऐसा माना जाता है कि पार्टी से नहीं है, लेकिन वर्तमान में क्या है उसको आप लोग जान ही रहे हैं, एकदम विशुद्ध रूप से पार्टी से होते हैं। जैसे जिस पार्टी की सरकार है उसका कोई नेता है वो मुख्यधारा में राजनीति में नहीं रह गया तो उसको क्या बना दिया जाता है, राज्यपाल। वहाँ भी अपने पार्टी के प्रति वो निष्ठा दिखाता है चाहे कोई रहा हो। इस समय जैसे इस समय बहुत गोट गोट की राजनीति चल रही है, इसके पहले भी चलती थी, जब इंदिरा गांधी गवर्नमेंट थी उस समय भी ऐसा बहुत चलता था। उस समय एक केस आई थी ऐसा बम्बई केस, उसमें यही हुआ था कि राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता था बार बार, और उसी उन्हीं बम्बई के लड़के थे कर्नाटक में पहले मुख्यमंत्री थे जो भी चुनाव हार गए, तो बम्बई केस इसी पे आई थी, इसी पे आई थी कि राज्यपाल अपने मनमाने अधिकार का प्रयोग न करें। अभी तक क्या होता है, राज्यपाल जो होता है केंद्र का एक तरह से एजेंट के रूप में काम करता है, जबकि उसको कैसे काम करना चाहिए, निष्पक्ष होकर, लेकिन वह केंद्र के एजेंट के रूप में काम करता है। देखेंगे कि जहाँ पे सत्ताधारी केंद्र में सरकार है और दूसरे राज्य में दूसरी सरकार, कोई छोटी सी भी घटना होती है तो वहाँ का राज्यपाल उसको तलब कर लेता है, वहाँ मुख्यमंत्री को तुरंत तुरंत तलब करेगा, वो मांगेगा स्पष्ट कि आप क्या हिंसा हो रही है, कोई काम हो रहा है जैसे कि गलत काम हो रहा है, भर्तियों में धांधली हो रही, जो भी हो, लेकिन उसी पार्टी की गवर्नमेंट है तो वहाँ देखेंगे शांत पड़े रहते हैं, देखते हैं आप लोग ना जैसे व्यवहार। और नियम क्या है कि अनुच्छेद 355 के अनुसार राज्यपाल बोले क्या करेगा, किसी भी राज्य को अगर राष्ट्रपति शासन लगाना है तो चेतावनी देगा कि आपके यहाँ कानून व्यवस्था सही नहीं है। इसीलिए देखेंगे आप कि जब होता है तो होता ना, किसी मंत्री ने बात किया पश्चिम बंगाल से, ये क्या होता है उसी का हिस्सा होता है, जब हम आगे कुछ काम कर भी दें ये माना जाएगा कि आपको चेतावनी दी गई, राज्यपाल बुला लेते हैं मुख्यमंत्री को, मान लीजिए और स्थिति बिगड़े तो पूरा राष्ट्रपति शासन लगा लेंगे, ये रहेगा प्रक्रिया में हम किए थे, आपको नोटिस दिया गया। एक तीन चीजें बताए थे, तीन एक चार, एक पांचवी चीज क्या हो गई, राज्यपाल की नियुक्ति, इससे हो गया कि केंद्र जो का है वो मजबूत होता है राज्य की तुलना में। और अगला पॉइंट है नोट करिए, मूल अधिकार का प्रावधान, मूल अधिकार का ऐसे इसकी विशेषता देखें, किसी किताब में 200 हो जाएगी, आप बनाएंगे 25 तक पहुंच जाएगी, 30 तक पहुंच जाएगी, जितनी चीजें हैं सब विशेषता में ही आ जाएगी, लेकिन हम मूल मूल चीज ही देखेंगे, हम जितना आती विशेषता, और इससे बहुत क्वेश्चन आता नहीं विशेषता,
विशेषता में आएगा तो लिखित में ही क्वेश्चन आएगा, ऑब्जेक्टिव में तो कोई क्वेश्चन आ नहीं सकता है। आप लोग एग्जाम दिए होंगे, जो लोग वो जानते होंगे, बहुत से लोग वो कभी एग्जाम नहीं दिए होंगे, लेकिन उसमें क्या आता है, फैक्ट ही आता है। अगला पॉइंट क्या है, मूल अधिकार का प्रावधान, फंडामेंटल राइट। इसको किस बार में बात तीन ये भी क्वेश्चन पूछता है, ये कई बार पूछ लेता है कि मूल अधिकार को किस भाग में शामिल किया गया है, तो भाग तीन में मूल अधिकार और भाग चार में क्या शामिल किया गया है, ये दो चीजें बार बार पूछता है। फिर आगे उधर पूछने लगता है भाग पंचायती राज किस भाग में है, कोई बता रहा हूँ कि भाग भी तैयार क्या करिए आप लोग, लेकिन सब भाग नहीं पूछता, उसके से चार पांच भाग ऐसे हैं पूछ लेगा। आपात उपबंध किसमें है, 18 में ये पूछा है, हाँ संविधान संशोधन इसमें है पूछ लेता है। तो जो चल रहा है आप किसी बारे में किसमें शामिल है, भाग चार में, देखेंगे आप लोग चार ऐसे कर गया है उपबंध भी देखेंगे आप लोग ने रोमन में लिखा गया है भाग चार, एक नया भाग जोड़ा गया है संविधान में अभी, मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य चाहिए या मौलिक कर्तव्य, तो मूल अधिकार इसमें हम मूल अधिकार में हम सार में पढ़ेंगे, मूल अधिकार जब पढ़ा जाएगा फिर तो पढ़ा जाएगा। इस संविधान में आधी कोई भी उठाया गया, चाहे जयंत पांडे की हो, बी एल ग्रोवर की हो या लक्ष्मीकांत की, आधा पार्ट मूल अधिकार है, आधे में पूरा पार्ट है। इसका जैसा नाम है कि मूल अधिकार बेसिक फंडामेंटल राइट, तो उतना है भी, इसमें हर चीज का प्रावधान किया गया है। कहाँ से कहाँ तक है, 12 से 25, इसमें हम मेन मेन देख लेंगे, ठीक, हम हर उससे नहीं देखेंगे मेन मेन बार, इसको कहाँ से लिया गया लिखा से बताया मैं अभी, पांचवें संविधान संशोधन से, ठीक। और मूल अधिकारों का जब उल्लंघन होता है तो कोई भी व्यक्ति है न्यायालय में जा सकता है, कहाँ कहाँ जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में 32 के साथ, हाई कोर्ट में 2-2। जैसे आप किसी भी मूल अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, आप मूल अधिकार जानते रहेंगे कि हाँ ये हो रहा है आपका, आप अनुच्छेद 226 के अनुसार हाई कोर्ट में और 32 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में सीधे मुकदमा कर सकते हैं कि हमारे मूल अधिकारों का हरण हो रहा है। आपके नहीं हो रहा है, किसी दूसरे का हो रहा है, तब भी आप कर सकते हैं। जिसको क्या कहा जाता है, या नहीं याचिका है, PIL। आप लोग देखते हैं बहुत PIL दायर होती रहती है, कई बार सुप्रीम कोर्ट ने जुर्माना लगा दिया है PIL करने वालों कि आप न्यायालय का समय मुकर रहे हैं। मान लीजिए किसी चीज़ पे है, आप फांसी चले गए, अब PIL इस तरह लोग लेके चले जाते हैं, थोड़ा हमारा नाम होगा, किसी मुद्दे को कर देंगे। एक MC मेहता के, MC मेहता, उन्होंने बहुत PIL किया था, आप लोग पढ़ेंगे MC मेहता की बहुत मिलेगी, और खास कर किस पे करते थे, पर्यावरण के मामले में, पर्यावरण के मामले में बहुत उनके PIL। एक के आई थी, आप लोग सुने होंगे, भोपाल गैस थी, उस पर भी MC मेहता ने ही वाद लाए। MC मेहता बहुत तरीके से हैं, जैसे मान लीजिए कोई काम ऐसा हो रहा है कि सबको काले जो है काले के सामने कोई अतिक्रमण कर रहा था, उस पर भी PIL दायर कर सकते हैं। यह सार्वजनिक स्थान है, काले जो बच्चे बच्चियाँ पढ़ने आते हैं, अब कोई कर सकते हैं, उसकी फीस कुछ नहीं लगती, जो नॉमिनल फीस हो कोई कर सकता है, अपील के माध्यम से या स्व
स्वयं कर सकते हैं। इसमें हो गया, इसके माध्यम से जाएंगे 32 और इसको एक शब्द कहा जाता है संवैधानिक विचारों का अधिकार या वर्ग। इसको डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने क्या कहा था, संविधान की आत्मा। ये छोटे एग्जामों में जैसे बहुत पूछता है आपको, मान लीजिए बीसीएस आईएएस में नहीं पूछेगा कि संविधान की आत्मा, लेकिन जो वन डे टाइप एग्जाम है उसमें बार बार पूछता है। याद है तो बहुत आसान है, याद नहीं है बहुत कठिन है। इसको क्यों कहा था संवैधानिक उपचारों का, क्योंकि हमारा जैसे किसी अधिकार का हनन हो रहा है तो उसका उपचार क्या है, हम कोर्ट जाएं। अधिकार का हनन के लिए क्या कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को क्या कहा जाता है, वो संविधान के संरक्षक, वो संविधान की संरक्षक। तो अधिकार का हनन होगा तो आप कोर्ट जाएंगे और कोर्ट आपके अधिकार को संरक्षित करेगी। और जब ये पीआईएल का मामला हुआ था तो इसमें एक जस्टिस थे पीएल भगवती, आप लोग नाम सुने होंगे कर पेपर पर पढ़ते होंगे, उनको ऐसे नहीं जैसे कहा जाता है पीआईएल के जनक थे, उनके समय में एक से एक पीआईएल दायर होते थे। अब तो बहुत सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इन बहुत वो हो गई है, कठोर हो गई है पीआईएल के मामले में कि आप फर्जी पीआईएल लेके ना आइए, कोर्ट का समय जाया मत करिए, नुकसान हो, क्योंकि इतने पेंडिंग केसे हैं दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और पीआईएल होने से और ज़्यादा होता है। इसीलिए उनको क्या कहा जाता है, चेयरमैन के पीआईएल के जनक। हम उन साल में अनुच्छेद 12 बता रहे हैं ना, अनुच्छेद 12 में क्या प्रावधान है, राज्य की परिभाषा। तो राज्य से आप लोग जानते हैं, जैसे पॉलिटिकल साइंस वाले पढ़ते हैं तो राज्य वहाँ किस लिए भी होता है, वहाँ नेशन के लिए होता है, कंट्री देश के लिए। इसलिए यहाँ पे राज्य ऐसी संस्था के लिए कुछ होता है कि जिसके खिलाफ हमारा अगर हमारे अधिकारों का उल्लंघन कर रही तो हम उसके खिलाफ कोर्ट जा सके। समझ रहे हैं, ऐसी संस्था जो हमारे अधिकारों का उल्लंघन कर रही है या जिससे हम हमको कुछ लाभ मिलना है नहीं मिल रहा है उसके खिलाफ हम कोर्ट जा सकते हैं। इसमें चार चीजें आती हैं, संसद है और विधानमंडल जैसे स्टेट के, अगर संसद में कोई खिलाफ संसद के खिलाफ भी आप कोर्ट जा सकते हैं ना। और इसमें ये महत्वपूर्ण नहीं है, एक चीज इसमें होता है अन्य प्राधिकारी और स्थानीय प्राधिकारी, उसी पर ज्यादा होती है, क्योंकि इस मामले में देखा जाता है कौन कौन है। जैसे एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी हुआ, विश्वविद्यालय हुआ, इनको राज्य माना जाए कि ना माना जाए, कुछ मामलों में एनसीईआरटी को राज्य माना गया है, कहीं कहीं नहीं माना गया। जैसे कोर्ट है किसी मामले में तथ्य और परिस्थितियों के अनुसार अपना वो डिसीजन देती है, देखें कि सेम वो रहता है अपराध, एक अपराधी छूट जाता है एक बच जाता है, वो परिस्थितियों के अनुसार उस समय की जो सर्कमस्टांसेस होती हैं ये देखा जाता है। अन्य प्राधिकारी में ही देखा जाएगा कि विश्वविद्यालय है कि नहीं, एनसीईआरटी है कि नहीं, कोई कॉलेज है तो भाई जी इससे एपीएल कॉलेज ही है, आपका एडमिशन लेने में कोई गलती किया नहीं हुआ तो आप इसके खिलाफ वाद दायर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो इसमें जानते हैं फेडरेशन में क्या उत्तर से नहीं जा रहे इसको, जो उसको बताते हुए चल रहे हैं देखें उसमें बात से गवर्नमेंट से कुछ सहायता पा रही है कि नहीं। जो संस्थाएँ गवर्नमेंट से सहायता पाती हैं जैसे फंड मिलता है ना, तो यहाँ मिलता है कि नहीं, वेतन तो जो टीचर हैं उनको कम देती है गवर्नमेंट ही देती है, कोई फंड हो रहा है गवर्नमेंट ही देती है, ऐसी संस्थाओं के खिलाफ आप जा सकते हैं। जो एकदम सौ भी कुपोषित हैं उनके खिलाफ नहीं जा सकते,
उसमें दूसरे मामले जा सकते हैं, आपका मूल अधिकार का हनन हो रहा है जा सकते हैं, लेकिन इस तरह का समान अधिकार का हनन हो रहा है नहीं जा सकते। एक चीज और समझ लीजिए, जैसे मूल अधिकार और विधिक अधिकार अलग अलग होते हैं, मूल अधिकार और विधिक अधिकार। मूल अधिकार कौन है? जो 12 से लेके 35 तक है। एक क्वेश्चन बार बार आता है कि मतदान का अधिकार कैसा अधिकार है, ये कई बार क्वेश्चन आया आपके। मतदान का अधिकार, वोट देने का अधिकार जो है ये कैसा है? विधिक अधिकार है, ये मूल अधिकार नहीं है। जैसे संपत्ति का अधिकार पहले क्या था? मूल अधिकार था, अब वो विधिक अधिकार हो गया। पहले कोई टैक्स नहीं लगता था, जितनी संपत्ति रखना चाहे रख सकते, अब क्या है? उसी के अनुपात में रेशियो, जैसी आपकी इनकम है टैक्स देना पड़ता है। इसीलिए इनकम टैक्स वाले देखेंगे छापा मारते हैं, जब मूल अधिकार रहता तो वो कुछ नहीं कर पाते। अब देखेंगे हम इसमें आगे से 13 अनुच्छेद 13 में एक चीज पर ध्यान दीजिए कि इसमें प्रावधान किया गया है संविधान के पहले की कोई विधि जो संविधान के बनने के बाद या जो और भी बन रही है अभी किसी नियम से असंगत है, मतलब इसके मेल नहीं खाता, वो शून्य हो जाए। इसको पढ़ेंगे डिप्ली तो बहुत ज़्यादा, उतना हमको डिप्ली नहीं पढ़ना, हम क्या पढ़ रहे हैं विशेषता ही पढ़ रहे हैं ना, उसके अनुसार बस इतना करते जाए। तो मूल अधिकार 13 में क्या है कि कोई ऐसा कानून जो अनुच्छेद 13 के विपरीत है या असंगत है, उससे मेल नहीं खाता, उसका विरोध कर रहा है, वो क्या है? अवैध, इलीगल है और शून्य। दो शब्द यूज होता है, अवैध और शून्य। आप लोग पढ़ेंगे देखेंगे, इलीगल और वायट, दो शब्द यूज होता है। एक इसमें बता रहे हैं यहाँ नहीं है, जो शून्य है आज वो अवैध है। अवैध से इसमें बड़ी है, इससे अवैध जो शून्य है उसको बार शून्य हो गया, नहीं तो कोई मतलब नहीं, जो अवैध है उसको वो हमेशा शून्य रहेगा। और कोई चीज़ शून्य रह के भी अवैध हो सकती है, उस पर हम इतना ध्यान मत दीजिए, वो अवैध हो उसके चक्कर में करेंगे। बस ये इतना याद रखिए, 13 क्या है कि कोई कानून जो 13 का उल्लंघन करेगा वो अवैध है, वो कानून मान्य नहीं होगा। किसी का बहुत से कानून बनते हैं ना, उनको चुनौती दी जाती है तो अनुच्छेद 13 के आधार पर ही दी जाती है। जैसे कोटा बना उसको भी दिया गया, टाटा बना आतंकवाद को भी कानून। अभी जैसे कहीं कहीं जैसे यहाँ पर क्या है, रासुका है, महाराष्ट्र में मकोका है, बहुत जगहों पे इनको चुनौती कैसे दी जाती है? 13 के लिए ही दी जाती है, 13 के ये संविधान के अधिकारों का उल्लंघन करना है, उससे मेल नहीं खाते। और अगला है अनुच्छेद 14, हम एक भी हल्का हल्का आपको बताते चल रहे हैं। अनुच्छेद 14 क्या है? विधि के समर्थ क्षमता, जिसको रूप लाभ लाभ ही करते हैं। रूप लाभ लाभ कहाँ से लिया गया है? विधि का शासन है, वो बेटे डायसी ने कहा था विधि का शासन, रूप लाभ लाभ। अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक क्या है? अनुच्छेद 14 से 18 एक पूछता है कौन कौन कैसे कैसे अधिकार है, लेकिन कैसे अधिकार है? समता या समानता। इसमें जो अधिकार है उनको इस तरह के अधिकार है कि व्यक्ति को
व्यक्ति को समान माना जाए, किसी आधार पर उसको साथ भेदभाव न किया जाए। 14 है, 15 है, 16 और 17, 18। इसमें 14, 15, 16 बहुत बड़ा अंक है, तो हम यहाँ पढ़ाएंगे नहीं, अगर आगे होगा सिलेबस में उसको देखेंगे। ठीक, समानता का अधिकार 14 से लेकर 18 तक, उसको याद रखिए। 14 कैसा है, इसमें कई आप लोग पढ़ेंगे ना, पढ़ना होगा, देखिएगा कई केस हैं और क्या क्या ऐसे बताया गया, एमपी कैपर की है, रोहिपा की है, इसमें ये भी है कि एक मेनका गांधी की भी केस आई थी जिसमें कहा गया था कि उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया गया था, सतवंत सिंह की भी आई थी, मतलब इसमें बताया गया कि किसी भी व्यक्ति को विदेश जाने का भी अधिकार है, उसको सुनवाई का अधिकार दिया जाए। आपको कोई अपराध करते हैं या कुछ करते हैं, जैसे किसी को मान लीजिए अभी नोटिस कॉलेज से न दी जाए और कॉलेज से निकाल दिया जाए, ये समता का अधिकार क्या है, उसमें क्या प्रॉपर है कि आपको नोटिस दिया जाए, आप कोई गलती करते हैं तो आपको नोटिस दिया जाए कि आपने ये गलती किया है, आपको कॉलेज से क्यों निकाल दिया जाए। आप अगर नोटिस का सही जवाब नहीं दे रहे हैं तो ठीक है, निकाला जाए। अगर बिना कुछ किए आपको भी क्लास में आए कल कि आपको क्लास में आने नहीं बैठना है, आपको तो आप पूछेंगे ना कि क्या मेरा वो है जो क्या कारण है कि वो, ये समता का अधिकार। और 15 में क्या है, 15 तो ऐसे ऐसे देखेंगे तो बहुत छोटा लगेगा, लेकिन उसको पढ़ेंगे तो बहुत बड़ा है और बहुत ही कॉन्फ्लिक्ट वाला है। इसमें अनुच्छेद 15 में किसी जिले प्रस्थान वंश जाति नस्ल यही सब यूज किया गया है ना, के इनके आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। जब स्थान जाति वंश और नस्ल रेस नस्ल पे अधिकतर भेदभाव कहाँ होता है, यूरोप में, यूरोप में खासकर साउथ अफ्रीका में, यूरोप से ज्यादा साउथ अफ्रीका में, वहाँ पर श्वेत अश्वेत का वो तो दूसरी चीज है, धार्मिक और हो सकते हैं, जैसे हमारे यहाँ नस्ली भेदभाव नहीं होता, धार्मिक जाति भेदभाव होता है ठीक है, लेकिन नस्ल का मतलब वो दूसरे रंग का होता है। अफ्रीका के जैसे अफ्रीका के आप लोग क्रिकेट सभी लोग देखते होंगे, वहाँ पे एक समय पता नहीं समय क्या है, वहाँ के टीम ने आरक्षण की व्यवस्था की गई कि तीन अश्वेत खिलाड़ी रहे, नहीं क्या होता था कि पूरे श्वेत खिलाड़ी रहते थे। अभी अमेरिका में देखे होंगे 2-3 साल पहले अश्वेत को एक अमेरिकी पुलिस अफसर ने अपने घुटनों से दबा के मर गया था, वो चिल्लाता रहा छोड़ दीजिए, और उसका दोस्त कुछ नहीं था, पासपोर्ट मांगा कुछ कागज होगा जो कागज दिखा रहा हूँ, लेकिन केवल अश्वेत की और श्वेत की उसमें रिश्ता में उसने उसको दबाया रहा और उसका दम घुट गया और मर गया। उसके बाद बहुत दूर अमेरिकी पुलिस उसके बाद घनों के बल हर जगह खड़े होकर माफ़ी मांगी। ये जो श्वेत नस्ली भेदभाव होता है कहाँ होता है, ज़्यादातर साउथ अफ्रीका और अमेरिकी में, अमेरिका में आप देखेंगे वहाँ के जो खिलाड़ी होते हैं अक्सर जो अच्छे खिलाड़ी होते हैं निग्रो होते हैं, जैसे सेरेना विलियम्स हो चाहे और कोई हो, अमेरिका बहुत ज़्यादा है और साउथ अफ्रीका में। इसमें कौन कौन चीज़ें, इन आधारों पर भेदभाव नहीं किया जाएगा 15 में, लेकिन इसका 16 अपवाद, 16 क्या अवसर को वो एक तरह से वो असमान व्यक्तियों में समान हो करती है, अवसर को देना चाहती है जिसमें आरक्षण की व्यवस्था की गई। एक क्या है यहाँ तक 15 में क्या कहा जा रहा है कि जन्म जाति जन्म स्थान जाति वंश लिंग और नस्ल के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, लेकिन 16 में क्या है, 16 में इनके आधार पर लोगों को आरक्षण दिया जा रहा है, तो
है, क्या आरक्षण का आधार क्या है? सामाजिक रूप से और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा। अब इसमें एक आधार और जोड़ दिया गया है, आर्थिक रूप से पिछड़ा। एक कौन सा संविधान संशोधन का? 103वां संविधान संशोधन के 14-15 का 16 जो है अपवाद है, और 15-16 को हमेशा मिला के पढ़ना पड़ेगा। अब इसको हम कल देखेंगे आगे, थोड़ा आज देखेंगे, टाइम हो गया है ठीक। और इसमें आपको कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। ये विशेषता है, विशेषता का चार पाँच चल रही है, इसीलिए हम लेके चल रहे हैं। जो सिलेबस भेजे उसके अनुसार